वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की शुरुआती मांग के बाद धीरे धीरे अब इसकी मांग कम होती नजर आ रही है। जिला अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय से जिला प्रशासन ने लोगों को उचित मूल्य पर रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि कोरोना पीड़ितों के लिए कारगर साबित हो रहे इंजेक्शन के अस्पतालों में उपलब्धता के चलते मांग में कमी हुई है और यही वजह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिमांड गोरखपुर शहर में 40% तक रह गया है। वहीं अब आसपास के जिलों के लगभग 60% लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने पहुंच रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, नहीं, वापस नहीं, आप लोग स्टेशन पर ठीक है, कल लगेगा, ठीक है। और जाइएगा नहीं, क्योंकि टोकन के साथ ही आपको कुछ समय में इंजेक्शन नहीं मिल जाएगा। एक और निकालिएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड पहले से थोड़ी कम हुई है और निश्चित तौर पे पेशेंट्स भी कुछ अस्पतालों में कम हुए हैं। अभी पहले जैसे हमारे वहाँ पर डे नियर अबाउट 350 से 400 लोगों को सर्व यहाँ से किया जाता था, लेकिन आज जो अभी दिन भर में अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आए हैं वो टोटल 63 अभी तक यहाँ पर आए हैं और उसमें भी अधिकांश जो हैं हमारे नियर बाई जनपद के हैं, जिसमें देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के तकरीबन 60% लोग उसमें इन क्षेत्रों से हैं। तो इसलिए अभी एक रेमडेसिविर की मांग थोड़ी जनपद में कम हुई है और पेशेंट्स भी थोड़े कम हुए हैं इसमें। अब तक अगर हम लोग देखें तो नियर अबाउट हम लोगों ने 2000+ को सर्व किया होगा यहाँ से और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों को उपलब्ध कराया गया था। तकरीबन आज हमको लगता है कि 22 दिन के आसपास 22-23 दिन तो हो ही रहे हैं हम लोगों को यहाँ लगातार सर्विंग करते हुए। अब थोड़ा हम लोगों ने ये चेंज ये किया कि अब सुबह ही हम लोग, चूँकि पेशेंट्स कम हैं तो इसलिए सुबह ही टोकन जारी कर देते हैं और उसी साथ ही साथ डाटा एंट्री करने के उपरांत उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दे देते हैं।